हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश बोर्ड के बारहवीं से जिन बच्चों ने भी एग्जाम पास किया है उनके लैपटॉप योजना के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग अभी MP बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर क्या कर रहे हैं, तो दोस्त मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग MP बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर हैं और कुछ बच्चों को कमेंट्स ये थे कि सर आप जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो MP बोर्ड का, कि कुछ बच्चों ने कहा था सर फॉर्म निकल गया है कैसे भरें। तो दोस्त, अभी फॉर्म नहीं निकली है और आपको फॉर्म कहाँ से चेक करना है तो ये MP बोर्ड के सारे प्रोसेसर हम लोग बाद में बात करेंगे कितने परसेंट पे निकलेगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म पे, फॉर्म आपको कहाँ से चेक करना होता है। तो जैसे ही आप दोस्त यहाँ MP बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर आते हो, यहाँ पर देखते हो कि आप लोग लिखा गया है कि इमरजेंसी सर्विसेज एग्जाम 2019 और यहाँ पे लिखा गया है इम्पॉर्टेंट सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन खुलेगा और यहीं पे आपका लैपटॉप योजना शो करेगा जो कि अभी शो नहीं कर रही है, करेगा लेकिन अभी शो कर नहीं रहे। तो इसी तरह आप लोग ये समझ सकते हो कि अभी फॉर्म नहीं निकली है। दोस्त, अगर यहाँ किसी तरह का लैपटॉप योजना से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन रहता तो मैं उसको आपको पढ़ के सुनाता, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गया। दूसरी बात कर लेता हूँ लैपटॉप योजना के बारे में। तो चलिए दोस्त, मैं आपको सबसे पहले ये बता दिए देता हूँ कि जो भी अभी नोटिस हमारे पास अवेलेबल है लैपटॉप योजना के लिए, जो भी नोटिस अभी जो हमारे पास अवेलेबल है दोस्त, वो पूरी की पूरी नोटिस 2018 की है। पूरी की पूरी नोटिस वो कितनी की है? 2018 की है। अब मैंने आपको शुरू में अपना जो बिहार मध्य प्रदेश बोर्ड का जो था ऑफिशियल साइट इसलिए विजिट कराया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो क्या बोल रहे हैं कि दोस्त किसी भी साल का बोल रहे हैं कि ये इस साल का अपडेट है। अभी इस साल का अपडेट नहीं आया, अगर अपडेट आता तो वहाँ पर नोटिस में आपका शो कर जाता। तो इस बात की गलतफहमी मत रहिए कि 2020 का कोई अपडेट आया है लैपटॉप योजना के लिए। जो भी अपडेट है दोस्त वो 2018 की है और उसी के आधार पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। पिछली वीडियो भी आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। और ये वीडियो में भी मैं वो वीडियो शो करूँगा, वो फुटेज शो करूँगा जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये क्लियर बोलते दिखते हैं कि जिन बच्चों ने भी 75% अंक बोर्ड एग्जाम में प्राप्त किया है 75% उनको वो एलिजिबल हैं और उन्हें ये क्लियर है 100% सत्य कि वो लैपटॉप योजना के लायक है और उन्हें यह मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देर के मैं आपको वो क्लिप दिखा दे देता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्त, ताकि हम लोग फिर से अगली बार मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को फुटेज को देख लीजिए। जरूरत होती है कि उनको ऑप्शन क्या क्या है, विकल्प क्या क्या है ये बताया जाए, तो वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम खड़े हैं। कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था हो रही है। इसके बाद जो फेल हो गए बच्चे उनके लिए भी तीसरा चरण प्रारंभ करेंगे, क्योंकि केवल अंकों से सब कुछ नहीं होता, वो भी हताश क्यों हो, निराश क्यों हो, इसलिए दूसरा चरण कैरियर काउंसलिंग का प्रारंभ हो रहा है। हमने ये फैसला भी किया है जो आपने आप प्रश्न के जवाब में सुना कि 75% से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, लैपटॉप के लिए धनराशि देंगे। और दूसरी बात ये है कि बच्चों ने ये इच्छा प्रकट की है कि कैरियर काउंसलिंग का केंद्र हमेशा काम करे, इसलिए हमने तय किया कि ज़िले में एक उत्कृष्ट विद्यालय कैरियर काउंसलिंग के लिए तय करेंगे, जो पढ़ाई के अलावा कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था को लगातार जारी रखेगा। उसकी रूपरेखा भी हम बना रहे हैं ताकि केवल कुछ समय नहीं, हमेशा बच्चे अगर चाहें तो उनकी काउंसलिंग, कैरियर की काउंसलिंग की जा सके।